35 साल से दोबारा नहीं बनी सरकार, इतिहास बदलने को बीजेपी ने चलाया तुरुप का इक्का। कर्नाटक में पिछले 38 साल से ये परंपरा है कि कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाती है, लेकिन इस बार बीजेपी इसे तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं कर्नाटक के चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। अब देखना होगा कि कर्नाटक के रण में कौन बनेगा विजेता। इस बीच इस बार जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि बीते 38 साल से कर्नाटक लगातार दो बार किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी है। हर 5 साल में यहां सरकार बदल जाती है। दक्षिण भारत के राज्य की इस सियासी परंपरा को बदलने के लिए बीजेपी ने अपना तुरुप का इक्का चलाया है। ये कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी का मानना है कि इसे पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े संकट मोचक, बता दें कि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, सबसे बड़े संकट मोचक और सबसे बड़े नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। दरअसल बीजेपी और विरोधियों के बीच पीएम मोदी सबसे बड़ा अंतर साबित होते आए हैं और कर्नाटक चुनाव में भी ये हकीकत सामने आती दिखाई दे रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इस चुनाव में सियासी हवा का रुख मोड़ दिया है। कौन लेता है जीत की गारंटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए ये नाम ही काफी है, वो नाम जो चुनावी जीत की गारंटी है। और एक पक्का यकीन है कि देश के कमान बेहद मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।